स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास इन कैमरा आज होगा। इजलास आज दोपहर 2:30 बजे कौमी असेंबली हाल में होगा, जिसमें तमाम वफाकी वज़रा, वफाकी मुशीरान और मेंबरान कौमी असेंबली को शिरकत की दावत दी गई। इजलास में अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती की मौजूदगी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से कौमी सलामती कमेटी के इजलास का नोटिस भी जारी। पंजाब में आम इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में इन चैम्बर समाअत होगी। समाअत में बेंच के तीनों अरकान चीफ जस्टिस उमर अताबंदियाल, जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शरीक होंगे। जजेस स्टेट बैंक और वजारत खजाना के फ्रेम करदा रिकॉर्ड का जायजा लेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पंजाब और KPK में इंतखाबात से पेशरफ से आगाह करेंगे। वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुक्मरान जमात ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल पर तहा हुक्मसानी अमल रोकने का हुक्म मुस्तरद कर दिया। हुक्मरान इतिहाद का सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के फैसले पर शदीद रद्द अमल, कहा कि पहली बार हुआ कानून अभी नहीं बना और एक तरफा बेंच बना दिया गया, इसको जन्म लेने से पहले रोका जाए। हुक्मरान इतिहाद का कहना है कि ये अदल इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट के साख का कत्ल है। वन मैन शो का शख्साना अदालती तारीख में स्याह बाग के तौर पर जगह मिलेगी। चेयरमैन PTI इमरान खान आज रात 9:30 बजे कौम से अहम खिताब करेंगे। PTI रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा का ट्वीट, कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त शदीद आईनी बहरान है, हुकूमत मुल्क को अरादतन लाकानूनियत की तरफ धकेल रही है, इस मुल्क को बचाने का फौरी और वाहिद रास्ता शफाफ इलेक्शन है। रहनुमा PTI का कहना था कि हम आवाम का बुनियादी हक मांगते हैं, सजा के तौर पर हमें एक वाक़ कर लिया जाता है, ये सिलसिला अब रुकना चाहिए और आवाम के हकूक बहाल होने चाहिए। गुजरात पुलिस का साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनिस इलाही की रहायश गाह पर छापा, 20 से ज्यादा गाड़ियों ने गुंजा हाउस को मुहासरे में ले रखा है। सदर PTI का छापे से मुतालिक कहना था कि बगैर वारंट हमारे घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की मुनासबत से मुल्क भर में 5 रोज की आम तातील का ऐलान कर दिया है। ईद उल फितर की तातीलात का आगाज 21 अप्रैल बरोज जुमा से 25 अप्रैल बरोज मंगल तक होगा। वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नवा साल पाकिस्तान में रमजान के पूरे 30 रोजे होंगे। माहिरीन फलकियात और रोयत हलाल रिसर्च काउंसिल की पेशगोई। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में कई रोज की मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुसलसल बारिशों के बायस गाड़ियां रुक गई, ट्रैफिक जाम हो गया, शहर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और स्कूल जुम्मा तक के लिए बंद कर दिए गए। पानी में फंसे लोगों को कश्तियों के जरिए निकाला जा रहा है। शहर में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई। लाहौर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच आज रात 9 बजे शुरू होगा। कताफी स्टेडियम में T20 सीरीज की ट्रॉफी की तकरीबी रोनुमाई में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और कीवी कप्तान टॉम लेथम शरीक। पहला मैच कताफी स्टेडियम में खेला जाएगा 15 और 17 अप्रैल को। सीरीज का दूसरा और तीसरा मैच भी कताफी स्टेडियम, जबकि चौथा और पांचवा T20 मैच 20 और 24 अप्रैल को रावलपिंडी में खेला जाएगा।